राज अंदर आम आदमी पार्टी दी सरकार बनन तो बाद राज दे मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान वालों अफसरां नूं दित्ते गए दिशा निर्देशों अनुसार लोगों दी मुश्किलां पहल दे आधार ते हल कीतियां जाण दे तहत अज फाजिलका जिला पुलिस मुखी सरदार भुपिंदर सिंह वालों खुला दरबार लगाया गया, जिथे अगे वेख्या जाता है भी लोग अफसरां नूं मिलन लई उन्हां दफ्तरां दे बाहर कई लंबे समय उड़ीक करते हैं, पर जिला पुलिस मुखी फाजिलका वालों बरामदे विच बैठ के लोगों दी मुश्किलां सुनिया गई, लोड़वंदां दी मुश्किलां मौके पर हल की गई, जिहड़ियां मुश्किलां लंबियां सी उन्हां नूं अफसरां नूं बुला के हल करन दे आदेश फौरी तौर पर दिते गए। इस मौके जिले के काफ़ी लोग आए जो कि आदि मुश्किलां दे हल लई लंबे समय तो दफ्तरां दे चक्कर कट रहे सन, पर अज जिला पुलिस मुखी वालों की गई अनोखी पहल करके उन्हां दी मुश्किलां कई हल होईयां। इस मौके बोलते हुए जिला पुलिस मुखी सरदार भुपिंदर सिंह ने की कुछ कहा, ये सब कुछ जानने लई साडे नाल बने रहो। सर किस तरह का जनता दरबार लाया गया है? अक्सर देखा जाता है भी दफ्तर के अंदर ही बुलाया जाता है, पर तुसी सर आप दफ्तर तो उठ के बाहर आ गए, ये की कारण बन सकता है? सर ये तो जी कन्वीनियंस है, मतलब जेडे दरखास्ती आते हैं लोगों को तकलीफ होती है ताकि उन्होंने वेट ना करना पवे, तो मेरे सामने बैठे जो वेट भी कर लेंगे उन्होंने पता होंगे भी नेक्स्ट जो थोड़े बैठे उन्होंने नेक्स्ट बारी आनी जो उस तो अगली बारी आनी है, तो उन्होंने सारे के सामने बैठ के उन्होंने दुख दुख सुनी दी है, तो यह उन्होंने भी कन्वीनियंस है, मेरी भी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी है सू, मतलब तो जो ही ताकि उन्होंने आम पब्लिक में वेट ना करना पे। सर किन्ने को लोग सवेर तो शाम तक कंप्लेन लैके आते हैं? काफ़ी है, काफ़ी मान सकते हैं 100 तो उपर आ जाते। हाँ इस वादी इस तो वादा ज्यादा है सर केड़ी कंप्लेंट ज़्यादा अपने को आदि हर तरह की जी घरेलू जोड़े इन्होंने झगड़े भी है, कोई प्रॉपर्टी के झगड़े है, कोई होर तरह के जोड़े कोई किसी ने क्राइम होया हों, कोई हर तरह के झगड़े हर तरह के डोमैसटिक वायलेंस भी है, डोमैसटिक झगड़े भी है, जोड़े पति पत्नी झगड़े वो भी काफ़ी कंप्लेंट्स आ रहे हैं। की मैसेज सर देना चाहोगे जनता को, संदेश देना चाहूँगा? जो मैं संदेश यही देना चाहना जी भी जेडे मैं उन्होंने सरपंच पंच जेडे जो शहर के एम सी है मैं उन्होंने ऑनर करूँगा जिन्हों की मेरे को सब तो घट कंप्लेंट्स आदि हैं, तो अपने मसले वो अपने ही एरिए हल कर लेंगे आपसी गलबात रही, तो मैं आने दिनों मैं लिस्ट तैयार कर रहा जितों साढ़े को घट तो घट कंप्लेंट्स आदि हैं तो उत्थे ही मसले हल किए जाते हैं उन्होंने ऑनर किया गया। एक सर सीएम साहब ने एक गल कही सी जिंदे जे नशा वेचण दी गल कही गई सी, जिंदे कहा सीगा वी जिले दे एसएसपी साहब ते थाना सिटी दे एसएचओ जिम्मेवार होणे जे नशा विकेगा, ते की सर तुसीं हदायतां देना चाहुंदे हो जो लोग नशा वेचदे हजे वी जिन्हां ने बंद किया हो? नशे दे खिलाफ असीं पूरी मुहिम चलाई हुई है, किसी नूं भी बख्शा नहीं जाता ना ही बख्शा जाऊगा, तो मेरी यही है भी अपना नशा वेचना या जिहड़े ड्रग पैडलर आ छड्डन नहीं, उन्होंने खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी, तो प्लस जेडे कोई नशा करते भी है वो सानू मिलन असी उन्होंने दाखिल करा के उन्हों का इलाज वगैरह करा सकते, तो सरकार वालों जोड़े नशा छुड़ाऊ केंद्र कोर्ट क्लीनिक्स वगैरह खुले हुए है वो अपना जोड़ा नशा करते है इस बीमारी के ग्रस्त हो गए वो अपना इलाज करवा, तो असी भी उन्होंने मदद करा। इस शहर चोरियां बड़ी बढ़ गई पर पुलिस ने मुलजम जोड़े दोषी बड़े फड़े ने, तो सर हम किन्ने को दोषी जो तुम आए हो सर किन्ने को अंदाजा लाया जा सकता किन्ने को चोर? लगातार ही जी असं फड़ रहे हैं, मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है पर करीब असी 60 के करीब तो मोटरसाइकिल ही चोरी के फड़ ले है जी सवा महीने के, बाकी काफ़ी चीज़ें चोरिया होनी कल भी असं केस रजिस्टर किया जिते जे चोरी के मोबाइल या खोहते चोरी करते वो भी एक गैंग फड़िया, मोबाइल रिकवर होए हैं तो बाकी होर भी काफ़ी रिकवरी होने की संभावना, इस तरह पर अपने होर के भी काफ़ी जोड़े चोर असी पिछले दिनों फड़े हैं जिन्होंने काफ़ी रिकवरी हो।
एबीएन न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज़ चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।